वो आया मेरे को, बोलते हैं कि सर ये आईपीएल की टीम है, आप ना विराट कोहली को ले लो। तो फिर मैंने बोला चल विराट कोहली को ले लेते हैं। उसने एक अमाउंट बोली, एक्स अमाउंट, अभी बोलूंगा नहीं, वो विराट कोहली बुरा मान जाएगा। फिर बोलता है कि आप अनुष्का को भी साथ में ले लो। मैंने बोला मैंने कौन से माने वर के लहंगे पहनाने और मतलब शेरवानी बेचनी है। तो फिर मैंने बोला नहीं और कुछ और प्लेयर बता। तो बोलते हैं उसके बाद सर किसी की औकात ही नहीं है। ठीक है, मैंने बोला एक काम कर, जितना तू मेरे को कोहली बेच रहा था ना उसको डिवाइड बाई टू कर, इस नंबर पर मेरे को 11 बाकी प्लेयर ला दे। और मैंने वही डील करी, फिर 11 प्लेयर लिए कोहली डिवाइडेड बाई टू के नंबर पर। ठीक है, अब मजे की बात सुनो, मेरे पास किसी के साथ फोटो नहीं है, मैं शूट पे ही गया। एक ही फोटो अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे आई थी, वो कोहली के साथ बात करती हुई थी। और जब कोहली के साथ बात कर रहा था ना, मैं उसको यही किस्सा सुना रहा था कि मैं कैसे आप यू नो आपको मेरे को बेचने आए थे और मैंने 11 बाकी प्लेयर ले लिया, आपको नहीं लिया। और कोहली जी बोला इट्स वेरी गुड बिजनेस। इन माई न्यू कंपनी आई हैव दिस रूल कि 50 से ज्यादा बंदे ही नहीं होने। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस कंपनी कॉल्ड व्हाट्सएप, बट व्हाट्सएप $20 बिलियन पे बिकी थी टू जुकरबर्ग मेटा। एंड जब वो $20 बिलियन पे बिकी थी, कंपनी में 55 लोग थे, तो जो कंपनी की रिसेप्शनिस्ट थी ना उसको भी millions of dollars मिले थे। इनफैक्ट उन्होंने सबने मिलकर डिसाइड करा था कि हम कौन सी कलर की फरारी खरीदेंगे। ठीक है, मतलब इवन रिसेप्शनिस्ट। जनरली ना लोगों को इन्फ्लुएंसर्स को लेके थोड़े नेगेटिव कॉनोटेशन है कि अरे वेले लोग हैं, कुछ भी करते हैं, क्रिंज है। बस वो बोलने से कुछ नहीं हो रहा यार, वो बंदे को पैसे मिल रहे हैं ब्रांड से, राइट? एक रील डालने के 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तुम यहाँ पे 5 लाख कमाने के लिए 6 महीने नौकरी करोगे, वो सोचो। सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इन्फ्लुएंसर्स बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू गेट फॉलोअर्स। आप बहुत महंगे महंगे घड़ी खरीदते हो, बहुत महंगे महंगे जूते खरीदते हो, तो आपका राय क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट है या फिर वेस्ट ऑफ मनी? नहीं, इट्स अ गुड क्वेश्चन है। मेरे को ना इनकम टैक्स वालों ने बुलाया, बिठा के मेरे को बोलता है कि आपने जी 3 गाड़ियां खरीदी 2 साल में। मैंने बोला हाँ जी खरीदी। फिर बोलते हैं आपने एक 30 करोड़ रुपए का मकान खरीदा। मैंने बोला हाँ जी खरीदा। देन आई आस्क्ड हिम कि मैंने बोला एलिगेशन क्या है मतलब मैंने उसको बोला यार मेरे को एक बात बता, मैं 40 साल का हूँ, मैं IIT गया, IIM गया, पढ़ाई करी, 9 साल मरवाई अपनी नौकरी में, फिर 2 स्टार्टअप करी, दोनों यूनिकॉर्न बन गई, मैंने एक बैंक भी बचाया, एंड आई डिड ऑल ऑफ दिस बिलो द एज ऑफ 40। अब साला मैं दारू नहीं पीता, मैं सुट्टा नहीं मारता, मैं माल नहीं फूकता, तो मैं कमा किसके लिए रहा हूं? दान करने के लिए? मेरे को जो अच्छा लगता है मैं करूंगा यार। मेरे को साला 2 लाख रुपए का जूता पहनने में पहनूंगा, और वही 2 लाख रुपए का जूता उठा के तेरे को मारना है वो भी मारूंगा। मतलब मेरी लाइव कपिल शर्मा शो चल रहा है, मैं क्यों क्या हंसी आएगी ना, मैं क्या करूं? अब आप मेरे को एक बात बताओ, 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल कैसे हो सकती है यार किसी की? पूरे दुनिया की हिस्ट्री में मतलब इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं, आज तक किसी ने 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल क्लेम नहीं करी। मतलब तुमने मेरे को शार्क टैंक में देखा था, साला मैं ठोक बजा के पैसे डालने वाला बंदा हूँ, तुमको लगता है मैं 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल खरीदूंगा? मैं 10 करोड़ के जोमैटो के शेयर्स खरीद लूँ ना, मेरी 7 पुश्तें खाना खा लेंगी, वो भी हर रोज ऑर्डर कर करके डिफरेंट। इन्फ्लुएंसिंग फुल टाइम है ही नहीं, वो वेलापंती का काम है। फुल टाइम वेला होना अच्छी बात नहीं है। पहले क्या था, लोग सिर्फ मूवी स्टार्स को जानते थे, तो एड भी मूवी स्टार्स को ही मिलती थी, और वो एड आती थी टीवी पे या मूवी के बीच में। अब मार्केट चेंज हो गई है, मूवी कम चल रही है, इन्फ्लुएंसर्स को लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, और सबके पास फोन है, वो सब फोन पे पूरा टाइम रील देख रहे होते हैं, तो ब्रांड्स भी घूम फिर के उन इन्फ्लुएंसर के पास आ गए, बिकॉज दे फाइंड कि इन्फ्लुएंसर के थ्रू किसी को रीच आउट करना बड़ा आसान है एंड यू नो इफेक्टिव है। सो मार्केट चेंज हो गई है। नाउ इफ आई पुट अ रील एंड रील के 1.5 करोड़ 2 करोड़ व्यूज हो रहे हैं, सो आई शुड मोनेटाइज इट, नो? अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट? सर आपका बुक आ गया है और आपको आजकल रील्स और शॉर्ट्स में बहुत ज्यादा देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स में कब देखेंगे सर आपको? वो नेटफ्लिक्स वालों को बेटर पता होगा कब देखेंगे, बट हो सकता है जल्दी देख लो। अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग सेलिब्रिटी बने हैं, कभी वो क्रिकेटर्स सेलिब्रिटी बन जाते हैं, कभी शेफ सेलिब्रिटी बन गए, कभी पॉलिटिशियन सेलिब्रिटी बन गए। बॉलीवुड तो हमेशा से ही मतलब वो तो प्रोफेशनल सेलिब्रिटीज हैं सब, तो मेरे को नहीं लगता कि कौन सेलिब्रिटी बन रहा है डिफाइंस वेदर द कंट्री इज ऑन द राइट पाथ और द रॉन्ग पाथ। हाँ ये अच्छा लगता है कि यार कोई फेमस हो रहा है फॉर द राइट रीजन, किसी ने कुछ स्क्रैच से बनाया और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, तो वो अच्छी बात है, बट किसी के सेलिब्रिटी बनने से मेरे को नहीं लगता कंट्री का डायरेक्शन डिफाइन होता है। तुम साले 18 से 21 साल के बच्चों ने सब कुछ फिगर आउट कर लिया, मतलब तुम्हारे के आगे के लोग भी पागल हैं, तुम्हारे से पहले के लोग भी पागल हैं, तुम्हारे माँ बाप भी पागल हैं, टीचर भी पागल हैं, सिर्फ तुमको पता है दुनिया में क्या चाहिए और क्या कैसे दुनिया चलनी चाहिए, बाकी सब गधे हैं। जनरली यही व्यू है ना, अगर कॉलेज आए हो क्लास ही नहीं जाओगे तो मतलब फिर मतलब क्या है फिर आने का? मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, IIT में मेरी 100% अटेंडेंस थी, 100%। हाँ वो अलग बात है मैंने प्रॉक्सी बहुत लोगों की लगाई है, बट इन जनरल माय व्यू इज कि
यू आर मिसिंग आउट यार। देखो कहीं से भी एबसेंट हो ना तो कहीं बेटर जगह प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर तुम क्लासरूम से एबसेंट हो, प्रेजेंट कहाँ पे हो मेरे को वो बता दो। अगर तुम क्लासरूम से बेटर चीज फोड़ रहे हो या मतलब अपने आप को एजुकेट कर रहे हो या अपने आप को अपस्किल कर रहे हो, भाई कर लो, कोई बुरी बात नहीं है। बट हॉस्टल में बैठ के सो रहे हो या नेटफ्लिक्स देख रहे हो फिर कोई मतलब नहीं है। कि सर आप लोग बोलते रहते हो कि आपके पास अगर अच्छा आइडिया है और अच्छा कुछ प्रोडक्ट है तो वी आर रीचेबल, राइट? दैट्स व्हाट यू क्लेम, बट देन अगेन आई टेक्स्टेड यू इन लिंक्डइन सर, यू डिडंट रिस्पोंड। सर वो तो दोगलापन हो गया ना सर। यार आज के जमाने में तुम रीच आउट के बोल रहे हो, साला मैं यहाँ पे हर रोज 20 नंबर ब्लॉक कर रहा होता हूँ, ठीक है? यू नो इफ यू आर अ टेक गाय एंड यू कांट फाइंड माई नंबर देन यू नॉट अ टेक गाय। तो मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूँ कि जिसको पहुंचना होता है ना वो पता नहीं कहाँ से नंबर निकालता है पर पहुंच जाता है, एंड मोस्टली ऑनलाइन ही निकालता है, मेरे को ये पता है। सो फिगर आउट दैट वे। What's the future for retail businesses and what's the future for digital businesses? अबे हर चीज का फ्यूचर मेरे से क्यों पूछते रहते हो यार? इसका क्या फ्यूचर है, उसका क्या फ्यूचर है, आपका क्या फ्यूचर है, मेरा क्या फ्यूचर है? अबे मतलब मेरे पास कोई मशीन है क्या फ्यूचर में देखने की? No. मेरे को नहीं पता भाई, मैं बता दो फ्यूचर में क्या होने वाला है। गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है, वो मैम है, उनको 7 बज रहे हैं, 8 बजे मैं खाना खाने वाला हूँ, ये बता सकता हूँ बस। उसके बियॉन्ड का मेरे को नहीं पता।